वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। सो आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार बाबू भैया से मिलने, अपने UK07 राइडर से मिलने। उनका वहाँ आज मीटअप रख रखा है उन लोगों ने हरिद्वार पे, क्योंकि उनकी थार की डिलीवरी है ना। तब अभी हम जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं हरिद्वार। और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, और गाड़ी हमारी छूट गई है हरिद्वार की। इस बार हम गाड़ी में नहीं, बस में जा रहे हैं, और बस हमारी छूट गई है। तो फटाफट बस को पकड़ते और आपको मिलते सीधे हरिद्वार। पकड़ 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 बस पकड़ बस पकड़ बस पकड़ वो उधर पे पकड़ 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 बस। तो दोस्तों हमारी बस छूट चुकी है, जिसको हम पकड़ने वाले फटाफट, तो आप वीडियो में बने। तो दोस्तों यार हम काफ़ी चल रहे हैं, बट हमें बस मिल ही नहीं रही, हमारी बस काफ़ी छूट गई है। फाइनली दोस्तों हमें हरिद्वार की बस मिल चुकी है, और बाबू भैया का मीटअप 12 बजे से है, तो हमें फटाफट 11 बजे तक पहुँचना पड़ेगा थार के स्वरूप। तो आपको मिलते सीधे हरिद्वार, तब तक। तो गाइस अभी मैंने गूगल मैप ऑन करा, और इसमें देखिए आप 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है मल्टी थार शोरूम। तो फटाफट चलते हैं हरिद्वार, और इसके बाबू गाइस हम महिंद्रा शोरूम पहुंच चुके हैं। मेरे जस्ट बैक साइड है, आप देखिए। बट मैंने अभी वहां गार्ड से बात करी कि मैंने पूछा कि मतलब बाबू भैया आ गए अपने थार की डिलीवरी के लिए, तो वो बोल रहे कि अभी वो नहीं पहुंचे करके यहां पर। मतलब यार मैं तो सोच रहा था कि यार मिलना आज हो नहीं पाएगा, कम से कम 1 बजने को आ रहे हैं, बट हम अभी पहुँच रहे हैं। कितना घूम फिर के दो दूर है इसको, मतलब फाइनली मिल गया शोरूम। बट यार मैं तो सोच रहा था कि बाबू भैया बिन मिले हमसे चले जाएंगे करके, बट यार गार्ड से पूछा तो वो बोल रहे कि अभी नहीं आ रखे बाबू भैया। तो फटाफट वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं बाबू भैया से। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बट हमारे बाबू भैया की कमी है। यार दोस्तों अभी हम शोरूम के बाहर हैं, बट उनके साथ जो आए हैं वो बोल रहे कि अभी बाबू भैया को काफ़ी टाइम लगेगा, वो रास्ते में रुके हैं। तो अभी अंदर बैठते हैं शोरूम के अंदर, फिर जब बाबू भैया आएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो आप यार दोस्तों हम शोरूम के अंदर हैं, और कम से कम आधा घंटा हो चुका है, बट बाबू भैया अभी तक नहीं पहुँचे हैं। वो सब ब्लू सिग्नल आ रही है बाबू भैया की, तो बस पहुँचने वाले बाबू भैया, फिर आपको मिलाते बाबू भैया। तो यार देखिए दोस्तों ये बाबू भैया का नाम लिख रखा है इधर पे, बट अभी तक बाबू भैया नहीं आए। तो यार लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं यार, शोरूम के अंदर ही बैठे हैं हम लोग, बट हमारे बाबू भैया अभी तक नहीं पहुँचे यार। आज तो पक्का डांटना बाबू भैया। दोस्त है और ये ग्रोथिना का बंदा है अपना, तो फटाफट यार बस वेट ही कर सकते हैं। अब बाबू भैया आएंगे, फिर इसके बाद ही होगा जो होगा। तो यार दोस्तों यार कम से कम यार 3-4 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ शोरूम में बैठे हुए, बट यार अभी तक बाबू भैया नहीं आया यार। बताओ यार 12 बजे का टाइम किया था, और लगभग अभी 3:30-4 बजने को आ रहे, बट बाबू भैया अभी तक नहीं पहुँचे। और पूरी ग्रोथिना यहाँ वेट करी बाबू कि बाबू भैया कब आएंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यार आधे ब्रोसिना तो इधर पे है, और आधे पे अंदर भी बैठ रखे हैं, और ये 3 ब्रोसिना यहाँ पर है, बट हमारे बाबू भैया अभी तक नहीं आए। तो वैसे ये देखिए बाबू भैया की कार अंदर एंटर होती हुई, ये देखिए सब ब्रोसिना वीडियो बनाती हुई, और ये बाबू भैया की कार रेडी होती हुई। फाइनली दोस्तों बाबू भैया हमारे पहुंच चुके हैं, ये देखिए आप। तो फाइनली अपने बाबू भैया पहुंच चुके हैं, ये देखिए हमारे बाबू भैया। हेलो बाबू भैया, हेलो बाबू भैया, हेलो कैसे हो भाई? भाई बहुत बड़ा प्यार करवा दिया यार बाबू यार। बाबू भैया कैसे मिले? बहुत 4 घंटे से वेट कर रहे हैं बाबू भैया, 4 घंटे। हम 4 घंटे से वेट कर रहे हैं आज की डिनर आपकी तरफ से, पार्टी पार्टी आपकी तरफ से। सो फाइनल दोस्तों बाबू भैया अपने आ चुके हैं, ये देखिए, और गाड़ी वाड़ी भी आ चुकी है अपनी बाबू भैया की।
ये देखिए अपने बाबू भैया बैठ रखे हैं और अंकल जी इधर बैठ रखे हैं। ये अपनी ब्रो सेना साथ है और बाबू भैया अपने आ चुके हैं। ये देखिए ब्रो सेना अपनी और ये देखिए मेरे बंदे, ये देखिए यार अपने कार यहाँ पर आ चुकी है और फटाफट उनसे मिलते हैं। ये देखिए यार उनके पापा, हेलो आंटी, हेलो हेलो कैसे हो मेरे बाबू भैया। हेलो बाबू भैया, यार आपने बहुत वेट करा दिया, चार घंटा अच्छा वापस आना पड़ा। आपने बोला था ना वहाँ जा रहे हो, आपके बहुत बड़े फैन हैं अंकल भाई, बहुत बड़े फैन हैं आपके, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। क्या तो आप क्या नाम है शादी का? योगेश जोशी भाई, योगेश जोशी भाई। तुम सॉरी जोशी के भाई नहीं हो? नहीं हमारे साइड के हो, हमारे साइड के भाई जोशी जोशी और बहुत दवाई मचा रहे भाई भी, कहीं ऐसा ना हो नंबर हम ब्लॉगर बता दें। मतलब ये जानना है भाई आप बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से डालते हो, बता। यार बहुत सारे ओपन शोज पे जाते हैं, कवर है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट से बात कर लो कि मतलब हम तुम्हारे खरीदना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता मतलब कुछ खरीदने पड़ते हैं और कुछ अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शुक्रिया भाई। इस वाले ब्लॉग का जो अभी आने वाला बहुत अल्टीमेट आई गेस का, सब्सक्राइब कर लो गाइस, लाइक शेयर कमेंट एकदम मस्त शेयर कर दो यार। बाबू भैया ने बोल दिया यार फुल पावर यार, होता तो सामने 500 ये सही बात है, सही ऑन फायर आर्मी मैन। तो कैसा लग रहा है? बस आर्मी अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा अपनी थार आ रही है आपकी? अच्छा तो आती रहती है लेकिन तुम लोगों के साथ जब मिलते हैं तो सच में अच्छा लगता है। हम 12 बजे से वेट कर रहे हैं आप लोगों का, कर रहे हूँ। मैं भी देहरादून स्टडी करता हूँ, मैं देहरादून जीआरडी कॉलेज में करता हूँ, मैं बी फार्मा करता हूँ, तो मैं वहाँ से यहाँ आया था बाबू भैया की यहाँ आ रहे करके और अंकल जी भी आ रहे करके। अभी जाना दोबारा देहरादून जिससे आपको बाइक कर सकते? नहीं नहीं मैं बस से आया, बारिश हो रही थी ना आगे पे। अगर देखो आज तो देहरादून तो सुबह से ही बारिश है, बीच में तो बल्कि कम थी, बट ये 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 था कि ये जीत के जाना है, जाना है और मिलना अंकल जी और बाबू भैया से मिलने करके, इसलिए आए थे हम। तब हम बस में आए थे, गाड़ी नहीं ले गया क्योंकि बीक भी ज़्यादा काम किया था। मिलने बहुत मुश्किल था यार यहाँ ना, तो मुझे तो पता है भैया आपकी बात भी अच्छी लगी, आपने अंदर बुला लिया था। थैंक यू भैया, थैंक यू, कॉफी सबसे बढ़िया थी। थैंक यू भैया, थैंक यू। लास्ट टाइम जब वो था ना ब्लॉग हमारा वो किया वाला था, उस टाइम ना लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, तो मैंने महिंद्रा वालों को ऑलरेडी बताया कि जितने भी लौटने होंगे समुद्र घुसा कर कॉफी सबको मिली ना। बाबू भैया मैं तो 8 बजे देहरादून से चावल की पार्टी दे रहे हो भाई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया भैया, बारिश में राजमा चावल आ रहा है। बाबू भैया का गेम, बाबू भैया कह रहे मुझे और ये रही गाड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सही में सही मैं अंदर घुसा। अब अपनी थार यहीं से लेंगे, सब लोगों को यार, ये तुम लोगों के कारण हो पाया, अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद नहीं पहुंच पाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। थैंक यू।
एक टाइम पे था जब मैं 200-300 रुपए में ट्यूशन पढ़ाए एंड एक टाइम पे वी हैव गॉट आवर कार, वी हैव गॉट एको एंड आज के टाइम पे हम तो अभी बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास बॉय आप सुपर स्टार हैं भाई, तुम लोगों की कृपा है। इसी बात में थार फ्री नेक्स्ट ईयर 10 मिलियन सून बाबू भैया, थार फ्री थार सबको एक एक थार बना ले लो भाई, अब चार बार 3-2-1 तकरा करा दे तारे ने पसंद मैनू।